हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। मैं अर्चना सिंह आप लोगों के सामने यूपी ट्रिपल एससी जो कि एग्ज़ाम हुआ है आज के दिन, दो शिफ्ट में आज के दिन हुआ है और कल दो शिफ्ट में होने वाला है एग्ज़ाम, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, और आज हुआ है 30 तारीख को, 30 सितंबर को, दो शिफ्ट में। तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो वो लोग सबमिट कर लेते हैं, तो वो हमें पूरा क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के, वो हमें नहीं पता चल पाएंगे कितने क्वेश्चन हैं, बट कौन कौन से हैं, बट वो वेबसाइट पे जब आ जाएंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 1 तारीख को, तो वो आज का अगर पेपर देख लेते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि पेपर इस लेवल का आ रहा है, और बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि बहुत हाई फाई पेपर आ रहा है, डिफ़िकल्ट आ रहा है, पेपर मॉडरेट लेवल का आ रहा है। कहीं कुछ क्वेश्चन हार्ड भी दिए हैं, कहीं कुछ क्वेश्चन ईजी भी दिए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, विटामिन B12 से होने वाला रोग कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग, इस टाइप से, मतलब कि आपको विटामिन करके जाना है। तो अगर आज पूछा गया तो कल भी विटामिन में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है कि लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है, तो जैसे कि इंडिया बुल्स बैंक में हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो थोड़ा सा डीपली है, कि बहुत लोग ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा अंदर से भी पूछा गया है इसमें। एक GI टैग का क्वेश्चन हर एक पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, तो आज का जो सेकेंड शिफ्ट था उसमें पूछा गया है कि किस राज्य की गुड़िया को GI टैग मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि GI टैग जितने भी मिले हैं अभी लास्ट 6 मंथ में, तो कम से कम आप लोग तैयार करके जाओगे। मैथ्स के क्वेश्चन कुछ ऐसे आए थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल के थे। जैसे एक क्वेश्चन तो ये वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी आया था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि मान ने ऐसे दिया हो कि x² + 1/x² = 23, तो उसका मान आप बताओ, x + 1/x का मान। हिंदी का पेपर काफ़ी इजी आया था, 1 पैसेज आया था, उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए थे, और इसके अलावा पत्र से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पर ध्यान देना कि पत्र किसके संबंध में, कौन सा पत्र लिखा जाता है, और कौन सी चीज़ें मतलब बोली जाती हैं उसमें, क्या मेन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इस टाइप से एक क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया, आँख का अंधा नाम नयन सुख, ये जो हमारा लोकोक्ति है, मुहावरा, इसका अर्थ बताओ। तो मुहावरा लोकोक्ति से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, और हिंदी में और भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि हिंदी में क्वेश्चन आया कि शुद्ध अशुद्ध का एक क्वेश्चन आया, विलोम का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और उसका पर्यायवाची का भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आप थोड़ा सा तैयार करके जाना कल के पेपर में। आगे बात करें साइंस के लेवल की, तो साइंस का लेवल मुझे थोड़ा सा इस बार का मॉडरेट से इजी लगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं साइंस के लेवल से। तो जैसे कि किसी तार में करंट का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस में। चिकित्सा में रसायनों का प्रयोग करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो ये नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि फ्यूज़ का प्रयोग क्यों किया जाता है, फ्यूज़ किस लिए लगाया जाता है घरों में, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए साइंस में। तो साइंस बहुत टफ नहीं आई थी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो आया था, श्रृंखला रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा आए थे। जैसे कि दे दिया जाएगा 8, 7, 6, इस टाइप से चीज़ें दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा आप लोगों से कि इसकी बताओ वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, और फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिगर्स दे दी गई है, फिर पूछा गया है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी। और इसमें रीजनिंग में आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और डायरेक्शन से रिलेटेड पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बहुत टफ पेपर नहीं आया है, और आप लोगों की जहाँ तक तैयारी है सिर्फ उसको रिवाइज़ करना, कुछ भी नया मत पढ़ना। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चंस बताए हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करो, जितना आप तक पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है। और इसके अलावा साइंस में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसको करने की कोशिश करो, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया है वो करंट से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इस
करंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे ख्याल में 15 to 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तक करंट से पूछे गए हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करंट से पूछे गए। तो थोड़ा कोशिश करो कि लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स तैयार कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीएस कितना भी तैयार करोगे आप लोग नहीं पूरा कर पाओगे। जब जीएस के कुछ क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक लोहे का स्तंभ खड़ा है तो वो कहाँ पर खड़ा है, तो दिल्ली के कुतुब मीनार में जिस पे जंग लग रहा है वो लोहे का स्तंभ है। ऐसे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाज़ा बनवाया था वो कहाँ पर स्थित है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछे गया है, जैसे कि मुंशी द्वारा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, कि मुंशी द्वारा जो संस्था बनाई गई थी उसका नाम बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मतलब मेरे ख्याल में करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा गया, तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करना। अब ये जो सेकंड पेपर है इसकी मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो सबसे पहले बात करूँ कि इसमें जो परसेंटेज है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो ऑलमोस्ट 50% है। आधे लोग ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, आधे लोग नहीं दे रहे हैं, मेन यहाँ पर ये। और एक चीज़ मैं बता दूँ क्लियरली, इसमें 2:30 बजे पहुंचने का, अगर मान लो आधे घंटे पहुंचने पहले पहुंचने का कहा गया है, तो आप लोग आधे घंटे पहले ज़रूर पहुंचे, क्योंकि वो लोग अपना गेट क्लोज कर दे रहे हैं और आप लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो जितनी देर पहले, क्योंकि अब रूल चेंज हो रहा है, आप 5 मिनट पहले भी पहुंचते थे तो आपकी एंट्री हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड रूल आ गए हैं, तो इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो जो इसमें कहा है बिल्कुल फॉलो करना ये चीज़, क्योंकि 2 से 3 मिनट 5 मिनट की देरी से आपका पर छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप जो जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो सब बहुत केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि अब तक जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई, बस रिवाइज करना है, बस आप टाइम पे पेपर देने पहुंच जाए, ये ज़रूर ध्यान रखना आप लोग। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो अभी तो मैं क्लियरली कट ऑफ नहीं बता पाऊंगी कि कितनी आ सकती है, बट 115 to 120 क्वेश्चंस तक ठीक होंगे तो आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन इजी थे, तो और मैथ्स रीजनिंग अगर जिसने कर ली तो उसको ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 क्वेश्चन तो ऐसी की ऐसी हो गए, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। बाकी मुझे लगता है कि 115 to 120 अगर कहा जाए तो इतने में कट ऑफ जानी चाहिए। बाकी अभी 4 पेपर, 2 पेपर और आने वाले हैं, 2 जो हो चुके हैं, तो उनको जब चारों को मिलाया जाएगा और लोग अपनी एक्सपेक्टेशन बताएंगे क्या क्या उन्होंने किया है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का निर्धारण हो पाएगा। तो मैं ज़रूर बताऊंगी जल्द ही कि क्या कट ऑफ हो सकती है, बट आप लोग आगे जो देने वाले हैं एग्ज़ाम वो बहुत अच्छे से तैयारी करें इस एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच, और अगर आप लोगों के पास अभी टाइम है तो अन अकेडमी पर जाके मेरा साइंस का कोर्स ज़रूर देखें, जिसमें 28 लेसन मैंने करवा रखे हैं और काफ़ी क्वेश्चन उसमें से फंसे हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं उस पर भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं एक्चुअली यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्वेश्चन मेरे उस लेसन से आए हुए हैं, डिट्टो ऐसे ही आए हो। जब क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे आ जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर से मैच करना क्वेश्चंस को जो मैंने साइंस के कोर्स में कराए हैं। तो अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करिए अर्चना सिंह के नाम से, और सक्सेस मंच तो आप लोगों के लिए है ही, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेगा अब नेक्स्ट जो हम बताएंगे कट ऑफ कितनी होगी और कुछ नए कोर्सेज के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।